हमारे देश में अगर कोई किसी की मदद करता है तो फोटो खिंचवाना फैशन होता है, और शो ऑफ करना तो उससे भी बड़ा फैशन। और इस मामले में नेताओं से आगे भला कौन हो सकता है? एक छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का नेता अगर कुछ करता है तो उसकी पब्लिसिटी पूरी करता है, चाहे वो लोगों तक पहुँचे या ना पहुँचे। लेकिन मदद करने वाले कैसे होते हैं, ऐसा मिजोरम में देखने को मिला। दरअसल में मिजोरम में एक शख्स आया और उसने 4 मजबूर लोगों के लोन चुका दिए, लेकिन उसने बैंक वालों से एक वादा किया कि वो इन 4 लोगों के लोन चुका रहा है, लेकिन बैंक वालों को भी उससे वादा करना होगा कि जो उसकी पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा, उसकी पहचान को किसी को बताया नहीं जाएगा। बैंक वालों को 4 गरीब लोगों के लोन मिल रहे थे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और उन्होंने उसकी बात मान ली, और इस शख्स ने चंद मिनटों में ही बैंक के खाते में 10 लाख रुपए पहुंचा दिए और 4 लोगों को लोन मुक्त कर दिया। जहां सरकार ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती, अगर 5,000 रुपए भेजती है तो 500 रुपए भी उन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में इस तरह के लोग जो सामने आ रहे हैं, वाकई में इस तरह के लोग ही रियल हीरो हैं। वहीं कुछ ऐसे नेता भी होते हैं कि 10 लोगों को राशन बांट कर उसकी फ़ोटो डालते नहीं थकते, 20 लोगों को राशन बांट कर उसकी फ़ोटो डालते नहीं थकते, लेकिन अगर कोई वाकई में हीरो हैं तो ये लोग हैं, जो मदद भी करते हैं और अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनके लिए मदद करना कोई फैशन नहीं है। ये जानते हैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अगर कोई मजबूर है उसकी मदद की है तो उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए, उसकी फ़ोटो दिखा करके देखिए भैया हमने इसको इसकी मदद की है या हमने इतने लोगों की मदद की है। किसी की गरीबी का मजाक बनाने का इससे बदतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इंडिया में यह हमेशा से होता आया है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे लोकल लीडर हो। अगर कोई किसी पर 10-20 रुपए की भी मदद करे तो ऐसे उसका प्रमोशन करते हैं जैसे उन्होंने कोई एहसान दिया हो, जबकि वो भूल जाते हैं कि ये टैक्स मनी है जो अमीरों ने इस देश को टैक्स दिया है ताकि गरीबों को भी कुछ फ़ायदे पहुंचते रहे। लेकिन सरकार की मंशा ये रहती है हमेशा कि 10 लोगों की मदद करके 1,000 लोगों की बता के उसका प्रचार कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।